हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप DMLT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आप दोस्तों अगर 12th पास हुए हो तो आप 12वीं के बाद क्या करें। सिंपली दोस्तों, अगर आप महीने के 10-20 हज़ार रुपये भी कमाते हैं तो दोस्तों 12th के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ऐसे छोटे कोर्स के बारे में दोस्तों आपको इस चैनल के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज मिल जाएंगे। दोस्तों मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूँ। दोस्तों अगर आपकी DMLT चल रही है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। दोस्तों अगर नहीं चल रही है तो हम डिटेल में बात करेंगे इस चैनल के ऊपर। दोस्तों DMLT होता क्या है? DMLT मतलब डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है जो जयपुर के द्वारा काउंसलिंग के द्वारा होता है। RPMC इसको करवाती है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग इसको कोर्स को करवाती है। इसके एग्ज़ाम होते हैं और पूरा सिस्टमेटिक होता है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर ये दो साल का होता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। और दोस्तों इसके अंदर हम ब्लड से रिलेटेड सारी जांचें होती है दोस्तों, ब्लड है, यूरिन है, स्टूल है। दोस्तों इसके रिलेटेड हमको सब जांचें करनी पड़ती है इस टेस्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमें बहुत सारी जांचें करनी होती है और माइक्रोस्कोपिक, हीमेटोलॉजी, दोस्तों बहुत से अलग अलग ब्रांचेज हैं इसकी। और दोस्तों साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार इजीली इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको काउंसलिंग के अंदर फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपका एडमिशन के अंदर आपका कॉलेज सिलेक्ट होगा। काउंसलिंग होने के बाद, कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, कॉलेज के अंदर आपको जाना होगा। आप चाहे तो प्राइवेट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो रेगुलर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपको एक जॉब भी आपको ज्वाइन करनी होगी प्राइवेट के अंदर, जिससे आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता रहे और आप काफ़ी अच्छे हद तक जा सकें। दोस्तों अगर आपकी इसके अंदर BSc होती है, BSc DMLT होता है, तो दोस्तों आप लैब के इंचार्ज बन सकते हैं किसी भी लैब के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और दोस्तों इसके अंदर गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकलती रहती है। पैरामेडिकल के अंदर दोस्तों बहुत से कोर्स आते हैं, आप चाहे तो उनमें कर सकते हैं, वो मुझे लगता है काफ़ी बेटर है। ECG है पैरामेडिकल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर वाला है दोस्तों, आप देख सकते हैं उसके अंदर। और इसके अंदर रेडिएशन टेक्नोलॉजी है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोप हैं इनके अंदर, आप चाहे तो रेडिएशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे जल्दी से। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा, अदरवाइज नहीं लाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप भी सोचिए यार, अगर हम